प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाले वित्तीय लाभों की आठवीं किस्त जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये किस्त जारी की और आपको बता दें कि 9 करोड़ 5 लाख से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अभी तक इस योजना के तहत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के पास करीब 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। इनमें से सिर्फ कोरोना काल में ही 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि पंजाब और हरियाणा के लाखों किसान डायरेक्ट ट्रांसफर की सुविधा से जुड़े हैं। अभी तक पंजाब के किसानों के बैंक खातों में करीब 18,000 करोड़ रुपए और हरियाणा के किसानों के बैंक खातों में करीब 9,000 करोड़ रुपए सीधे जमा हो चुके हैं। तो पीएम मोदी ने यह जानकारी दी कि हरियाणा के किसानों के लिए 9,000 करोड़ पहुंच चुके हैं तो पंजाब के लिए करीब 18,000 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि से विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। आज के कठिन समय में ये राशि इन किसान परिवारों के बहुत काम आ रही है। अभी तक इस योजना के तहत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के पास लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं, मतलब कि 1,25,000 करोड़ से भी ज्यादा सीधे किसानों के खाते में, कोई बिचौलिया नहीं। इनमें से सिर्फ कोरोना काल में ही 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे हैं। आपके प्रयासों को पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त और मदद करने वाली है। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, कृषि के नए चक्र की शुरुआत का समय है और आज ही करीब 19,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। इसका लाभ करीब करीब 10 करोड़ किसानों को होगा।